कॉन्क्लेव के इस भाग के प्रायोजक हैं FSSAI, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, LIC, हर पल आपके साथ, NBCC, 61 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बिल्डिंग द नेशन, और हमारे मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत भी खूब फला फूला है। यहीं कैराना से प्रारंभ किराना घराना का मधुर संगीत, यहां का ध्रुपद गायन, यहां के ठुमरी और दादरा ने पूरे विश्व को अपने संगीत की मिठास से परिचित करवाया। सवाई गंधर्व से लेकर पंडित भीमसेन जोशी, परवीन सुल्ताना, मोहम्मद रफी और प्रभा आत्रे तक अनेक कलाकार किराना घराना से ही ताल्लुक रखते हैं। और हमें यह भी पता है कि जहां संगीत होता है वहां कटुता नहीं होती, भय नहीं होता, दंगे नहीं होते। इस कसौटी पर क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम अपने दूसरे सत्र में। विषय है दंगा मुक्त, भय मुक्त, कितना बड़ा भरोसा है। इस सत्र के अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के श्री हाफिज उस्मान साहब, बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व सदस्य श्री विपुल अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार मृदुल त्यागी और मनोविज्ञानी और समाजसेवी डॉक्टर विभा नागर, ये सभी अतिथि मंच पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं सभागार में उपस्थित आप सभी जन ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और इस सत्र का संचालन करने के लिए विशेष रूप से DD न्यूज से हमारे बीच आ रही हैं राजनीतिक मामलों की जानकार ऋतु वर्मा। मैं अनुरोध करूंगा, कृपया सभी महानुभाव स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय से कृपया मंच पर आएं और अतिथियों का स्वागत करें। श्री मयंक अग्रवाल जी, हमारे बीच आप देख सकते हैं मंच पर 5 महानुभाव बैठे हैं, बीचों बीच स्त्री शक्ति भी विराजमान है और इस सत्र की संचालिका भी धुरंधर पत्रकार हैं। तो यह सत्र बड़ा जबरदस्त होने वाला है, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। और मैं जानता हूं यूं तो गर्मी इसमें जरूर होगी, लेकिन उतनी ही होगी जितनी शालीनता की परिधि में होनी चाहिए। भारत के लोक सेवा प्रसारक का यह प्रयास फलीभूत होता हुआ, और अब मैं मंच सौंपता हूं ऋतु वर्मा को। शुक्रिया। DD कॉन्क्लेव का एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है और इस कड़ी में हम मेरठ पहुंच चुके हैं। अब से ठीक 7 दिन के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है 10 फरवरी को, बेहद अहम माना जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस चुनाव की इस बार धुरी है। ये धुरी 2017 में भी थी, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी का नारा था लगातार कि हम अब जब सत्ता में आएंगे तो लड़कियों को सुरक्षा देंगे। वही नारा भारतीय जनता पार्टी का भी था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा काम होगा, गुंडा राज को खत्म करेंगे, इन नारों को लेकर। और खासकर किसानों को बहुत बड़ा मसला था इस इलाके का। आज भी 5 साल के बाद सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने दावों के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में है, लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीतियों को बदला है। समाजवादी पार्टी 2017 में जब चुनाव में आई तो 5 साल सत्ता पे रहने के बाद उसने अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ किया, अपने कामकाज के साथ साथ एक गठबंधन साथी लेके आई। अब जब विपक्ष में 5 साल रहे तो एक बार फिर चुनाव में जाते समय उन्होंने अपना एक गठबंधन साथी ढूंढा, जो RLD को उन्होंने बनाया है। इसलिए समीकरण निश्चित तौर पर बदले हुए हैं, लेकिन जनता ये बताएगी कि किस तरह से क्या माहौल पिछले 5 साल में बदला, और उस 5 साल से पहले यानी कि 2012 से 17 में वो क्या माहौल था जिसने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को सत्ता से पूरी तरह बाहर किया है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक तरह से कह सकते हैं वृहद पैनल है, जिसका इंट्रोडक्शन इससे पहले भी किया जा चुका है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए एक बार फिर सबका तारुफ आपसे कराएं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नब्ज जानते हैं इस इलाके की। हमारे साथ हाफिज उस्मान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी।
हमारे साथ श्री विपुल अग्रवाल है, एक्स मेंबर बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और व्यापारियों का। खासकर एक तरह से पिछले 5 सालों में ये माना गया है कि व्यापारियों का ये कहना है कि इस इलाके में कानून व्यवस्था इतना बड़ा मसला था कि योगी सरकार के आने के बाद से उन्हें इसमें राहत मिली है। तो जानेंगे उन्हीं से कि किस तरह के परिवर्तन को इन लोगों ने महसूस किया है और आज क्या मुद्दे हैं व्यापारियों के, जब उत्तर प्रदेश चुनाव मैदान में है। साथ ही साथ हमारे साथ मृदुल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर विभा नागर जुड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं। डॉक्टर विभा, आपका भी स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज उस्मान साहब, आप ही से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जो माहौल 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, उसने एक नारा दिया भारतीय जनता पार्टी को, और आज भी वो नारा दंगा मुक्त भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज की तारीख में जब आप जा रहे हैं चुनाव में, तब भी आपके बहुत से नेता इस समय उत्तर प्रदेश के लोगों को, पुलिस व्यवस्था को इस बात का जब बयान देते हैं कि गुंडागर्दी, हिंदू गुंडागर्दी को खत्म कर दिया जाएगा अगर सत्ता में आएंगे, तो ये क्या नारा है जिसे लेके आप चुनावी मैदान में? ऑन है माइक। आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मसलन जी, आपने कहा है हिंदू और मुसलमान की बात शुरू में ही आपने अपनी बातों में कही है। मैंने मुसलमान का कोई जिक्र नहीं किया सर। मैं तो आप बाद में कह दीजिएगा। हाँ बताएं। मैं तो जो समझा हूँ वो बात कह रहा हूँ। जी जी कहिए। आपने कहा जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तब गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के जो उद्योग है वो ख़त्म हो गया था आपके हिसाब से। मैं कानून की बात एकदम रखिएगा, मैं एक करेक्शन कर दूं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का नारा था 2017 का कि वो सत्ता में आएंगे तो गुंडागर्दी खत्म करेंगे, इसमें मैंने नहीं कहा कि समाजवादी। आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही हैं, मैं उन्हीं की तरफ से कह रहा हूँ। मैं बार बार अगर जो है वाजपेयी जी की तरफ से कहूँ या भारतीय जनता पार्टी का नाम लूँ तो ये बुरा सा लगेगा, मगर आपके इंट्रोडक्शन में जो बातें थी उसे मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जब से गवर्नमेंट आई है तब से हर दिन हर रोज़ कोई ना कोई किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, और कोई उसकी सुनवाई भी नहीं होती। आपने गोरखपुर में देखा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका गृह जनपद है, वहाँ एक व्यापारी को मारा, वो होटल में ठहरे हुए थे, और उनमें जिन लोगों ने मारा जो पुलिस वाले थे, जो आपकी व्यवस्था है जिसके ऊपर आपको भरोसा है, पुलिस ही के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उनमें से अभी भी एक भगोड़ा है पुलिस वाला जिसे आपकी गवर्नमेंट नहीं पकड़ पाई है। आपने देखा लोनी के जो विधायक हैं, आपने सुना होगा जब यहाँ किसान, आप बार बार कह रहे हैं मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलबाला है, गन्ने के किसान हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर, परेशानी को लेकर, अपने मुतालबात को लेकर धरना दे रहे थे। 1 साल तक उनका धरना चला। लोनी के जो विधायक हैं नंद किशोर जी, उन्होंने कितनी भद्दी भद्दी बातें उनके बारे में कही, उन्हें कहा कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अगर कोई आदमी अपने मुतालबात के लिए, अपने इश्यूज़ के लिए अगर कोई धरना देता है तो आपका विधायक उन्हें थ्रेट करेगा, उन्हें मारने की बात करेगा। और किसानों का तो यहाँ भी यहाँ तक कहना है कि वो जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो वो गुंडे भेजा करते थे उन्हें मारने के लिए। ये आपके विधायक की है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। आपने हाथरस का केस सुना होगा। उस्मान साहब यहाँ बस एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। ये जो सेशन हमारा है भयमुक्त उत्तर प्रदेश पे है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश पे है। जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने 2017 में चुनाव में जाने से पहले कहा था कि आतंकवादी घटनाओं में जो मुसलमान युवक जेल में बंद है उसे हम छोड़ेंगे भी और उचित मुआवजा भी देंगे। ठीक है, ये बात मैं अभी अगर सवाल करूं तो आपको बुरा लगेगा।
आप अपनी तरफ से कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, आपके पास अगर कोई, मेरी पूरी बात सुनने लीजिए, आपके पास अगर कोई सबूत हो, प्रूफ हो, तो आप सामने रख दीजिए, मैं भी उसे करेक्ट करूंगा। नंबर एक, हम नेशनल चैनल पे, आपने एक बात रखी ना, मैं एक बात आपकी साफ रख दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने, जब अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि हम छोड़ेंगे मुसलमान युवकों को जब हम सत्ता में आएंगे, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने बहुत साफ ये कहा कि ये तय कोई सरकार नहीं करेगी कि कौन आतंकवादी है और नहीं है, ये हम तय करेंगे। अब आप इसे रिकॉर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। मैं नेशनल टीवी पे बैठी हूँ तो मैं उन सबूतों के साथ, मैं भी नेशनल टीवी पर आपका जवाब दे रहा हूँ। बहुत साफ उन्होंने कहा कि आज आप जब मामले वापस ले रहे हैं तो कल आप उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी कर देंगे। मैं नेशनल चैनल पे बैठ कर आपके सामने कह रहा हूँ, जब गाँव में कोई मदारी आता है, आप ये बताए ना, आपने मुझ पे तो सवाल खड़ा कर दिया था कि मैंने गलत बोला, जवाब दूंगा तभी तो आपको पता चलेगा, सवाल नहीं आपके ऊपर खड़ा किया। मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे हमारे योगी जी हों, वो चूंकि संवैधानिक संस्था से जुड़े होते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर ये कभी नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उसे छोड़ देंगे। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी गांव में मदारी या महल्ले में आता है तो वो डुगडुगी हाथ में लेता है, लोगों को इकट्ठा करता है, और वो इसलिए से बचाता है ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं, अपनी बात सुना सके। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं 2 यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेजिडेंट हूं, 3 बार यूनिवर्सिटियों में इलेक्टेड प्रेजिडेंट 3 बार रहा हूं, 1 बार कन्वीनर रहा हूं, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं समाजवादी, अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समाजवादी, मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान अगर आतंकवादी है, मुसलमान अगर बदमाश है, मुसलमान अगर चोर है और उचक्का है, उसे आप गिरफ्तार कीजिए, कोर्ट उसे सजा देगी, वो जेल में जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे कोई छोड़ दे। समाजवादी पार्टी का ना कल ऐसा इशू था ना आज ऐसा इशू है। और अगर मुख्यमंत्री जो पूर्व थे हमारे अखिलेश यादव जी, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, कभी उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो इतना मजबूत और ताकतवर है कि कोई किसी को छोड़ नहीं सकता, कोर्ट सामने बैठी हुई है। अखिलेश यादव के बयान को चुनौती देने वाली याचिका के मुतालिक ये सुनवाई की है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। वाजपेयी साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर जो इस समय लगातार ये कहा जा रहा है कि भयमुक्त सरकार, भयमुक्त एक वातावरण तैयार किया गया है, आखिर वो क्या वातावरण था? आज जब आप सत्ता में एक बार फिर जनता के सामने हैं, क्या वो वादे हैं जिनको आप लेके जा रहे हैं, क्या वो दावे हैं आपके कि आपने भयमुक्त दे दिया? क्योंकि इनका तो ये कहना है कि इस तरह का कोई माहौल ही नहीं था। माहौल नहीं, ऑन है सटी, माहौल था या नहीं इसका निर्णय 2017 के चुनाव में जनता ने कर दिया था, और हमें जब जनता ने निर्णय देकर उत्तर प्रदेश की सरकार में हमको बैठाया, उसके बाद हमने अपने किए हुए वादों पर काम किया, और उस काम के आधार पर ही 2022 के चुनाव में हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आपका विषय है दंगा मुक्त भय मुक्त, कितना भरोसा? उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त 2017 से 22 के बीच में हुआ, ये क्रिस्टल क्लियर बिंदु है जो जनता को नंगी आंखों से दिख रहा है। 700 दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार के कार्यकाल में 1 दंगा नहीं हुआ, दंगा करने का साहस भी नहीं जुटा पाया कोई। अगर साहस जुटाता तो कानून को इतना कड़ा प्रयोग किया था आदरणीय योगी जी ने कि दंगा करने वाले के 7 पीढ़ियां भी दंगा करने की कभी सोचती नहीं। इसके अलावा मैं इतनी बात और कहना चाहता हूं, जहां तक भरोसे का सवाल है, बसपा के कार्यकाल में भी अपराध चरम पर था, सपा के कार्यकाल में अपराधियों का गढ़ बन गया था, अपराधियों का राज्य बन गया था। 2016 के सापेक्ष मैं कुछ आंकड़े कागज से जरूर पढ़ना चाहता हूं जो एनसीआरबी के आंकड़े से है। 2016 के सापेक्ष 2020 डकैती के मामले में 57.25% उत्तर प्रदेश में कमी आई है, लूट में 63.73% कमी आई है,
हत्या में 22.70% कमी आई है, फिरौती और अपहरण में 52.31% कमी आई है और बलात्कार के मामलों में 42.5% कमी आई है। सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं ये संदेश देने के लिए कि कानून के अनुसार जिसको रहना वो उत्तर प्रदेश में रहे, अन्य तो कानून अपना काम करेगा। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, गोवध निवारण अधिनियम को प्रभावशाली बनाया, लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया। अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं था, किसी दंगे में, किसी प्रदर्शन में, किसी सार्वजनिक आंदोलन में सरकारी संपत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचा दे तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी व्यक्ति से की जाएगी और उसी संगठन से की जाएगी। ये पहली बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया और इसीलिए उनका बयान है कि जो दंगाई दंगा करेगा सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली उससे होगी और वसूली उससे होगी तो चाहे 7 पीढ़ी तक वसूली हो उसकी वसूली किए बिना सरकार छोड़ेगी नहीं। इसके अलावा अब तक 155 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, 3638 अपराधी घायल हुए हैं, 13 हमारे पुलिस के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, 1236 पुलिस कर्मी घायल हुए, लेकिन इसके बाद भी कानून का राज स्थापित करने में कोई कमी सरकार ने नहीं की। गैंगस्टर एक्ट में 48038 अभियुक्त गिरफ्तार करके 694 अभियुक्त राष्ट्रवाद में निरुद्ध किए सरकार ने। जी, इस रिपोर्ट कार्ड के बाद भी आप लोगों पे ये इल्जाम लगता है कि आप चुनाव में जाते हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। इल्जाम लगाने वालों को दंगा मुक्त की बात करते हैं तो उसमें केंद्र में आपके मुसलमान आ जाता है। दंगा जो करेगा वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, दंगाई दंगाई है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो समाज का हितैषी बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो दंगाई है। एक बात और कहना चाहता हूँ, बसपा के कार्यकाल में मुख्तार अंसारी, रतीक अहमद हमेशा अपराधियों से जुड़े हुए राजनीतिक शक्तियां थी और उनके नाम से जिले जाने लगे थे कि ये मुख्तार अंसारी का जिला है और ये रतीक अहमद का जिला है। उनके क्या नाम, अपने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में एक नाम श्री आजम खान साहब का भी जुड़ा था इसमें। हमने कुख्यात माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, अवैध अर्जित 2100 करोड़ रुपए की जो उनकी संपत्ति थी उसको जब्त करने का काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की इस वर्तमान सरकार ने कि उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए भूमि पूजन करके गरीबों का आवास बनाने का काम किया है। उस अवैध अर्जित संपत्ति के दावे हुए, इनके अलग दावे हैं, लेकिन फिर भी जमीन पे क्या हालात है उसकी भी एक तरह से था ली जाए। हमारे साथ मृदु त्यागी जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मृदु जी, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को सिर्फ 10 सालों में दंगों की पृष्ठभूमि से नहीं जोड़ के देखा जाता है, यहाँ पे पिछले अगर 30 साल की हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके हैं, चाहे मेरठ हो, मलियाना हो, मुरादाबाद हो, ये दंगों के लिए जाना जाता था। किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है या ये राजनीतिक पार्टियों के महज दावे ही हैं? धन्यवाद ऋतु जी। देखिए, पश्चिम यूपी की एक हकीकत रही है, यहाँ एक सांप्रदायिक हिंसा का बड़ा काला अतीत है और उस काले अतीत ने इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक खुशी, रोजगार, चैन, अमन, कारोबार सब पर असर डाला। देखिए, एक बड़ा अंतर हमें पिछले 5 साल में जो नज़र आता है, मैं नहीं जानता कि ये बात हमारे सपा के साथी को कैसी लगेगी या भाजपा के साथी को कैसी लगेगी। जब हम दिल्ली से चलते हैं, आप लोग जब दिल्ली से चलते हैं तो वेस्ट यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, इसके नाम से पहले टेरर की फीलिंग होती थी। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, आपने देखा होगा किस तरीके से, ये भी सांप्रदायिक हिंसा का एक रूप है कि एक धर्म विशेष के लोग एक जगह से पलायन कर जाएं। निश्चित तौर पे ये स्थिति बदली है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। दिल्ली दंगे के दौरान पूर्वी दिल्ली में दंगा हो रहा था सड़क के एक तरफ, सड़क के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, वहां किसी ने एक पत्थर नहीं फेंका और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर अंतर है। और शायद यही वजह है कि भाजपा बार 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 अपने कैंपेन में जिस चीज पर जोर दे रही है वो दंगा मुक्त, हिंसा मुक्त, ये दो ट्रंप कार्ड भाजपा लगातार चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर विभा नागर भी हैं। विभा जी, क्या
क्या परिवर्तन दिखाई देता है इन पांच सालों में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2017 में जब चुनाव में राजनीतिक पार्टियां गईं तो लगातार एक ही नारा था, लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से। और यही एक कारण रहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट में उस वादे को पूरा किया था। क्या असर रहा, क्या वो परेशानियां थी जो पिछले 10 सालों में महिलाओं ने इस इलाके में देखी हैं, और आज जमीन पर क्या है, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तमाम ऐसे मामलों को भी देखती रही हैं। थैंक यू रितु जी। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करें तो एक टाइम ऐसा था कि मेरठ एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा है हमारा, आपने देखा होगा अभी बताया गया था। तो हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, शॉपिंग सेंटर्स और जो भी ऐसी जगह होती थी जहाँ गैदरिंग, फीमेल गैदरिंग ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि बहुत डर के सहम के लड़कियाँ वहाँ पर जाती थी। और दूसरी बात थी कि जब अगर उनके खिलाफ कुछ होता था तो शिक्षा दी जाती थी कि चुप रहो, मैनेज करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज करो, बात को मत बढ़ाओ। मेरा एक आर्टिकल आया था, फ्रंट पेज पे आया था, तो उस आर्टिकल में, काफ़ी साल पहले की बात है, मेरा जो कैप्शन था लड़कियां विरोध करना सीखें। वो कैप्शन पेपर में पब्लिश होने के बाद मेरे ही पास अनगिनत संख्या में फ़ोन कॉल्स आए कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कैसे शिक्षा आप लड़कियों को दे रही हैं, आप कह रही हैं विरोध करो, ये क्या बात है। लेकिन एक सरकार कहती है कि जवान लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, और दूसरी सरकार उन्हीं कार्यकलापों में लिप्त जो लोग हैं उनको जेल में डालती है। आज पुलिस स्टेशंस में महिला हेल्प डेस्क है, बहुत सारी योजनाएं हैं, काउंसलिंग सेंटर्स में उनको पूरी तरह अच्छी तरह से सुना जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई साइबर बुलिंग होती है या कोई किसी भी तरह का कोई काम होता है उस पर पूरी तरह से जो है प्रशासन सख्ती से पेश आता है। और जहां तक बात करूं इस बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार ने कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं रखा कि भाई ये हिंदू महिलाएं हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं। तीन तलाक की बात हम कर सकते हैं उसमें हम कर सकते हैं कि जो हमारी 47 जो नर्सेस थी उनका बहुत ही सफल रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ रहा। और लड़कियां आज भयमुक्त हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। मैं जमीन से जुड़ के काम करती हूँ। मैंने अभी कहीं मेरा एक लेक्चर था तो उसमें मैं पढ़ रही थी, लगभग 9 से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सरकार, योगी सरकार ने जो है स्कीम्स निकाली, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। और स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा महिलाओं के पर बीजेपी सरकार का विशेष ध्यान रहा है, इसको कार्यान्वित भी कर रही है, दंगे कम हो रहे हैं। पहले लड़कियों को बोला जाता था कि ये टाइम नहीं है, क्योंकि मैं मेरठ से ही जुड़ी हूँ, लोकल मैंने ज़मीन को देखा है, टाइम नहीं है निकलने का। क्या ये विश्वास बढ़ा महिलाओं में? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। मैं पूरे देश की काउंसलिंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, लड़कियाँ आज बहुत अच्छे अच्छे रोजगार भी अपना रही हैं जिसके तहत उनको आने जाने में देरी भी होती है। डॉक्टर विभा जी, ये तो आपने महिलाओं लड़कियों की बात रखी है, हमारे साथ ट्रेडर्स एसोसिएशन से भी एक्स मेंबर विपुल अग्रवाल जी हैं। विपुल जी देखिए, कानून व्यवस्था का मसला सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जो पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ी संख्या में रेवेन्यू देता है, व्यापारी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां किसान एक बहुत बड़ा हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। क्या व्यापारियों को पिछले 5 साल में किस तरह का फर्क दिखाई दिया है? जब हम बात करते हैं दंगा मुक्त भय मुक्त सरकार का, किस तरह का असर दिखाई दिया? धन्यवाद ऋतु जी। सबसे पहले हम लोग इस टाइम मेरठ बैठे हुए हैं, तो मेरठ की मंडी को आप जाने तो ये फेमस है स्पोर्ट्स सिटी के हिसाब से, और ये गोल्ड सिटी पूरे एशिया में फेमस थी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी मंडी मेरठ हुआ करती थी एक समय पे, गोल्ड मंडी। पर लेकिन व्यापारी आते थे, इस कतर व्यापारी आता था मेरठ के अंदर, पूरा शहर गोल्ड सिटी के हिसाब से चलता था। पर धीरे धीरे व्यापारियों ने आना बंद किया। जब हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि यहाँ पे हम सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को, रोड्स अच्छी नहीं है पहुँचने के लिए, हमारी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया नहीं है हमारे पहुँचने के लिए। और हमारे व्यापारियों के साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, सबका नाम लेके तो सब चीज बताई नहीं जा सकती यहाँ पे जी, बहुत इंसिडेंट्स हुए, उन लोगों ने अपना मुंह दिल्ली की तरफ मोड़ लिया। देखो आपका क्या कहना है कि एक्सटॉर्शन, रंगदारी, इस तरह के मामले, आप समझो सामान लूट गया रास्ते में उनका, गाड़ी रोक के उन्हें ओवरटेक किया जाता था, रोक लिया जाता था,
तो ये सब सीधे थी यहाँ पे, पर लेकिन वो लोग दिल्ली की तरफ मुड़ गए, देश आगे बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश की। नहीं तो अगर इस तरह की हरकत हो भी रही थी तो कानून व्यवस्था तो थी, क्या उनमें सुनवाई नहीं थी? क्या कानून व्यवस्था किसके हाथ में? सरकार के हाथ में होती है। सरकार ढील देगी तो पुलिस कैसे काम करेगी अपना? आज भी वही पुलिस है, पुलिस तो चेंज हुई नहीं है, पुलिस तो आज भी वही की वही है। और आज लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग हो गया कि अपराधी डरता है काम करने से, कुछ भी गलत करने से डरता है। आज आप समझो रोड कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई है, आदमी को जहाँ 6 घंटे 7 घंटे सफर करने में लगते थे, 2.5-3 घंटे में पहुंच रहा है। और उसके ऊपर से गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी बढ़िया आ रही है। व्यापार को क्या चाहिए? व्यापार को चाहिए सबसे पहले सुरक्षा, दूसरी चीज संसाधन। संसाधन देखिए आप किस तरह के मिल रहे हैं। एमएसएमई स्कीम्स आ रही है, किसी के पास पैसे नहीं है काम करने के लिए, सरकार उसको देखो आप समझो आपको शिक्षा तो चाहिए, शिक्षा के बिना तो आप स्कीम्स का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। संसाधन है पर आपको पता ही नहीं है। आज की सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीम ला रखी है कि आप पे पैसा है या नहीं है, आप पे टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम पहले मेरी मेरठ में छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, मैं केवल संसाधन की वजह से उसे स्विच करके सूरत ले गया। आज वापस हम उसे मेरठ लाने की कोशिश में है। सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी थी, एमएसएमई स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी आती थी, हम वापस उसे सरकार की वजह से मेरठ लाने के चक्कर में है, सूरत शिफ्ट होने के बाद भी। मृदुल जी, मुजफ्फरनगर का दंगा, 2013 का दंगा, 2017 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मसला था, कैराना में जो हुआ वो बहुत बड़ा मसला था, क्या आज 2022 में लोगों की यादों में वो जिंदा है या उसको जिंदा किए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए दंगा एक वक्ती चीज नहीं होता, दंगा जख्म देता है और वो जख्म आराम से भरने वाले नहीं है। ये चीजें याद कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के मेरठ दक्षिण से विधायक पद के उम्मीदवार हैं, वो ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे। अब आप इसको किस चीज की आहट मानेंगे? आप क्या याद दिलाना चाहते हैं? ये आइदर वे मतलब दोनों तरफ से ही इस तरह का कोई भी कम्युनल बयान आपको क्या याद दिलाता है? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये तो चुनाव में बयानों से याद आ रहा है। अभी कल की बात है, समाजवादी पार्टी के शहर सीट से सिटिंग विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये कहते हैं हिंदू गर्दी मची हुई है। उस्मान जी चुनाव में उतर गई इसके है वीडियो, इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपके उम्मीदवार, आपके नेता लगातार कह रहे हैं, तमाम इनकी त्यागी जी जो है प्रेस रिपोर्टर है और इनकी पार्शियलिटी देखिए। मैंने बताया था अभी नंद किशोर गुजर की बात, क्या उन्होंने कितना थ्रेट किया और किसानों को डराया और वहाँ लोगों को भी लेकर गया। मेरे कहने के बावजूद ना इन्होंने उसकी मुखालफत की ना उन्होंने यस की। और एक यहाँ एक छोटा सा बच्चा कोई बोल गया होगा, मैंने ये वैसा ही बच्चा है जिनसे गलती हो जाती है। जब मैंने इलेक्टेड है ही नहीं यहाँ, ये वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। अरे मैं इलेक्टेड है। अरे भाई मैं बता तो, अब आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। हाँ और कोई इलेक्टेड देश के झंडा तो उतारेगा नहीं साहब। अरे भाई कोई किसान देश के झंडा देखो देखो मेरी बात सुनिए। अभी मैंने 4 लोगों को सुना है, एक आप है, एक मैं अकेला हूँ। देखो अगर मैं जो अगर आप मेरी आप मेरी बात रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे तो पूछा तो जाएगा ना। यही आप देखिए, आप मेरी बात नहीं पूरी करने दे रहे हैं आप, मुझे तो कम से कम कहले नहीं दीजिए। मैंने कहा किसानों के खिलाफ नंद किशोर गुजर ने इतना सख्त बोला, इतने बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए और वो वहाँ जाते थे उन्हें थ्रेट करने के लिए। और वो किसान कौन थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर दिन जिनका नाम लेकर हम लोग वोट मांगते हैं। अबे हमारे त्यागी जी कह रहे थे, मैं इससे बड़ा झूठ नहीं मान सकता। आपके सामने कहता हूँ बबांगे दोहल कि जहाँ मेजोरिटी में इतने मजबूत लोग हिंदुस्तान में रहते हों, हर गवर्नमेंट में आप ये कहें, प्रोपेगेंडा करें और हर दिन झूठ बोलें कि कैराना का पलायन हो गया है, कैराना से लोग भाग गए, है किसी की हिम्मत, किसी की हैसियत है? अब एक मिनट दीजिए, कैराना से जिन परिवारों ने पलायन किया। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ?
मैं कह रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ ना, मुझे की बात को, आप ही की बात को आगे कर रही हूँ। आपने कहा ना कैराना से पलायन करने की बात गलत, भूल जाता है। कैराना परिवार के लोग हमारे साथ हैं, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट दीजिए, एक बार उनकी सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, भाई साहब आप एक मिनट मेरी बात सुन लो, बस आप जितना चाहे बोलिएगा। कहिए। मैंने कहा मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं कि कैराना जैसे कस्बे से कोई आदमी वहाँ से इसलिए चला जाए कि उसे सताया गया है। ये मैंने हुकम सिंह जी की वीडियो खुद देखी है, जो अब नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने कहा मैंने कभी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया। भाई कुछ लोग ऐसे दबंग होते हैं हर जगह कि जो जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे पैसा वसूलते हैं। ये हम लोगों के यहाँ हर जगह की शिकायत होती है, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं होता ना। अब मेरी पूरी बेनी तरफ ना देखिए। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो लड़कियों की हिफाजत की बात है, ये भी मुझे बहुत दुख होता है। कभी आज तक ऐसा हो सकता है किसी लड़की के साथ हिंदुस्तान दुनिया, देखिए मैं RTI कमीशन भी रह चुका हूँ, मैं दुनिया के कम से कम 20 देशों में गया हूँ, 20 मुल्कों में, और मैं ऐसे मुल्क में गया हूँ जो इस्लाम के नाम पर बना, एक मिनट मेरी सुकून से सुन लेना, इस्लाम के नाम पर बना है मदीना। मैं मक्का गया हूँ, मैं एक वाक्य अपना बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैंने मदीने में, मुझे किसी दोस्त ने बुलाया खाने के ऊपर, दोपहर का वक्त था, कोई नहीं था, 20 आदमी थे। मैंने उनसे पूछा, जिस दोस्त ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका जो बादशाह है वो कैसा है? वो चुप हो गया, उसने नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा, उसने नहीं बताया। जब बाहर गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में कोई नहीं था, उन्हीं की गाड़ी में मुझे वापस आना था होटल में, तो उन्होंने मुझसे कहा मेरा नाम लेकर कि उस्मान साहब मैं वहाँ नहीं कह सकता था, इसलिए कि जो लोग बैठे हुए थे मुझे नहीं पता उसमें कौन जासूस था। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में पलायन करने वालों की बात की है, उन्हीं के परिवार से कुछ लोग हमारे बीच में, आइए सुनते हैं ना। आपका कहना है ना कि कोई डरा के नहीं भगाता, तो आइए सुनते हैं, बात पूरी हो जाए ना। हेलो, आप भूल जाएंगे, आपको हम याद दिलाने के लिए बैठे हैं। हेलो, ना परेशान हो आप। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग हूँ कैराना से। सन 2014 में कैराना में 17 अगस्त को एक व्यापारी का मर्डर कर दिया था दिन दिहाड़े, क्योंकि उनसे फिरौती मांगी जा रही थी, उन्होंने फिरौती देने को मना कर दिया, तो उनका दुकान पे आके मर्डर कर दिया गया था। ठीक उससे 7-8 दिन बाद 24 अगस्त को 2 व्यापारियों का मर्डर फिर दिन दिहाड़े हुआ था, जिसके बाद 8-10 दिन बाजार बंद रहे थे कैराना के, और उसके कुछ दिन बाद हमारे पास भी फिरौती के लिए कॉल आया था। तब हमें रातों रात अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा था परिवार सहित। शुभम जी, क्या आपने इसकी कंप्लेंट कहीं नहीं कराई? कंप्लेंट हुई थी मैम, उस टाइम मेरठ में बहुत SP साहब के पास कंप्लेंट हुई थी, DM साहब के साथ पास कंप्लेंट हुई थी, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई गई थी। 3-4 दिन लगे थे हमें शहर छोड़ के जाने में, तब तक हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी थी। तो आपको क्यों शहर छोड़ना पड़ा मैम, एक बात बताइए ना, जब SCO तो क्यों शहर छोड़ना पड़ा, पुलिस थी तो वही सब। सीओ ऑफिस के ठीक सामने व्यापारी की दुकान थी जहां उनका मर्डर कर दिया गया था। अब सीओ ऑफिस के सामने अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो मैं पुलिस के साथ कितने दिन सुरक्षित रहूंगा? मिल गया जवाब अब आपको। जवाब मुझे गोली जो है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर से भी मारी जा सकती है। पुलिस कब तक मुझे प्रोटेक्शन देगी? देखिए, ये हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो गंदे होते हैं, वो हर वक्त होता है। अभी भी वहाँ जो मैं सहानपुर में रहता हूँ, सहानपुर में जो कुतुब शेर है हमारे, जो थाना है ना, उसी के सामने जस्ट जो है अभी 3 दिन पहले मर्डर हुआ। तो ये तो हर दिन हर रोज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसमें तो बात की जा रही है। हाँ, रफीक अंसारी, अगर नहीं, कहते हिंदू पार्टी हम खत्म कर देंगे तो आपके पार्टी के नेता का आप क्या वीडियो सुनवा दीजिए मुझे। अगर रफीक अंसारी ने ये कहा हो, सबके सामने कहता हूँ कि हम हिंदू गर्दी खत्म कर देंगे, वीडियो सुनवा दीजिए। मैं अभी इसी वक्त अखिलेश जी से मिल के आया हूँ, दोबारा मिल के उन्हें पार्टी से निकलवाऊंगा, भाजपा जी से कह रहा हूँ, चूंकि वो इनके अपोनेंट हैं, वो चूंकि भाजपा जी के अपोनेंट हैं। अब मुझे नहीं पता, राजनीति में विरोधी होना जरूरी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर विरोधी कम अकल हो
या इस तरह के बयान देता हो तो फिर कानून अपना काम करेगा, यही योगी सरकार का सबसे बड़ा लक्षण है। अच्छा, और हिंदू गर्दी का जवाब उनको, उनका बयान मैंने खुद सुना अपने कानों से। अच्छा, और उसके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो चुका है कल, और कानून अपना काम करेगा, डबल काम करेगा। आपराधिक धारा में तो मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, आचार संहिता के उल्लंघन का भी मुकदमा दर्ज होकर कोई भी हो व्यक्ति हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये आप निश्चित मान के चलिए। ये योगी सरकार और अखिलेश सरकार का फर्क है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी महिलाओं के संबंध में चर्चा हुई थी, योगी जी की सरकार के कार्यकाल में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना हुई थी। इससे पहले सपा और बसपा की सरकार में भी बहनें बेटियां छेड़ी जाती थी, कोई स्थापना किसी तरह की नहीं हुई थी। इसके अलावा दंगा के बारे में भी दो आंकड़े देना चाहता हूं। बसपा की सरकार में 364 दंगे प्रदेश में हुए थे, 64 लोग मरे थे और 1293 लोग घायल हुए थे। 5 साल में अखिलेश यादव जी की सरकार में 700 दंगे और 117 लोग मरे थे, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में 5 साल में एक दंगा करने का साहस नहीं जुटा। उस्मान साहब, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? धर्मांतरण कानून बनाने की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ी? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो कुछ भी बना सकती है। नहीं, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी महिलाओं को छिड़वाना और किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी महिलाओं को छिड़ना रोकना, तो कौन सी सरकार अच्छी है? भाई जी, पॉलिसी की बात मत कहो उस्मान जी, पॉलिसी की बात बिल्कुल नहीं। थोड़ा कोई पॉलिसी सरकार अगर ये पॉलिसी रखती है कि उसकी सरकार में माँ बहन बहू बेटी छेड़ी जाए तो उस सरकार को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं, देखो, दल का कोई स्थान है। देखो, भाजपाई जी जो है मेरे बुजुर्ग हैं, और जब ये बोल रहे थे मैं सुकून से सुन रहा था, और जब मैं बोलता हूँ उस्मान साहब, आप बात की गंभीरता को समझिए। अरे गंभीर है तो बता रहा हूँ ना, गंभीर उनके कहने से थोड़ा ही होगी, मैं बता रहा हूँ ना। मैं बता तो रहा हूँ, अकेले बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ब्राह्मण की लड़की को सपा का जिला अध्यक्ष का लड़का और उपाध्यक्ष का लड़का छेड़ता था, उस लड़की ने जाकर अपने बाप को बताया, बाप गलती से थाने पर लेकर आ गया लड़की को, पुलिस वालों ने वो बेइज्जती करी उस लड़की के बाप की, लड़की ने घर जाकर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली। ये सपा की सरकार का उदाहरण है, और हमीरपुर में 121 दिन धरना चला था। आखिर में मैंने मजबूर किया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था भाजपा का, अखिलेश यादव को सीबीआई जांच रिकमेंड करनी पड़ी थी। देखिए, आप तो कैराना के पलायन को भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी मुझे असल में मेरे लिए परेशानी ये है कि इधर तो भाजपाई जी बोलते हैं, फिर ये बोल जाती हैं, अब मैं इनका जवाब दूं तो फिर, अरे मुझे तो कहने नहीं दीजिए। अच्छा, मैं इनका जवाब ना दूं? आप बता दीजिए आप। अरे मेरी बात तो, अच्छा जवाब तो, अच्छा जवाब, अरे तो जवाब तो दे दूं कम से कम। मैं एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात सुनो, देखिए सीरियस सुन लीजिए बात। अभी चलवा दीजिए, इन्हें देख लेंगे। हाँ चला दो मैम, ये तो रिपोर्टेड डेटा हम बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। डेटा बहुत ज्यादा है जो थाने तक पहुंच नहीं पाई महिलाएं और लड़कियां। जो पार्टी का सरगना बलात्कार के बाद कहे कि ये बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसी सरकार तो नहीं होनी चाहिए। आप जो है सर, मैंने आपको कम पता है क्या चीज? आपको कम पता है? मुझे कम पता है, आपको ज्यादा पता है? आप ऐसा है सर, आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखिए क्या थी और क्या है। देखिए यहाँ सब लोगों में हाथ खड़े करवा लो। अरे भाई सुनो, नहीं कहा था। अरे मेरी बात, अब मेरी बात, अब आप मेरा जवाब ही नहीं सुनोगे। आप ही अगर बोलोगे, अगर यही मकसद है कि यहाँ हाथ उठवा लिया जाए, तो मैंने तो बुलाया नहीं इन लोगों को, तो इसलिए जो है हाथ तो आप ही के फेवर में होंगे। नंबर वन, नंबर टू मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा था बता, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें जो कराए में उसे सुन लीजिए कितना है। मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है नेट पर। यहाँ जो है महिलाओं के खिलाफ 59,445 आपराधिक केस हुए, आपकी गवर्नमेंट की बता रहा हूँ मैं, भाजपाई जी। और बच्चों के खिलाफ ये महिलाओं के खिलाफ हो गया रेप के मामले, 2018 में 4,322 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। और सुनिए, 2017 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, 7% जो है उसमें कम क्राइम थे, आपकी गवर्नमेंट में ज़्यादा है। और मेरा जवाब सुन लीजिए रफ़ीक अंसारी के लिए, अगर रफ़ीक अंसारी ने कोई गंदी और घिनौनी बात कही है, मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, पहला यूथ का ऑल इंडिया का प्रेजिडेंट हूँ, बाद में कोई भी बनता रहे, आपसे वादा करता हूँ
कि समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है, ऐसी बात को ना समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करती है ना एक्सेप्ट करेगी। कोई गलत काम करता है तो वो उसका गलत है, ये बात मान लीजिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक और किसी ने कही है कोई बात, मैंने वीडियो देखी थी, मुझे अशोक भाई ने दिखाई थी, मैंने वो भी देखी थी, तो उसमें कुछ दो तीन लोग टोपी लगाए हुए थे, उन्होंने भी कोई बात कही थी, मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं। कोई टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाए और नाम ले वो समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की साथ बिल्कुल नहीं है। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ, भाजपा जी ने अभी एक केस बताया मुझे, उसे के ना मैं जानता हूँ ना ये जानता हूँ, मगर आपने देखा होगा हाथरस की लड़की के साथ कैसे बलात्कार हुआ, और पूरी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मना करती रही, नहीं कोई बलात्कार नहीं हुआ। जब कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया उसके बाद में जाकर FIR दर्ज हुई, रात को ही उसका जो है संस्कार देह संस्कार कर दिया गया। आप कैसी बातें करते हैं वाजपेयी साहब, ऐसे नहीं। मैं आपके बारे में ये मानता हूँ, ये समझता हूँ कि आप सच बोलते हैं, चाहे गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो। सर्टिफिकेट देने का मंच नहीं है, मैं आपसे इसलिए, अरे भाई बातचीत आपस की हो रही है, नहीं नहीं हो रही, जनता सुन रही है, जनता के मुद्दों पे बात होनी है उस्मान साहब। आपने हाथरस की बात की, उस पे भी जनता वोट करेगी मौजूदा सरकार, गलत थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उसमें जो भी उसमें तथ्य है और नहीं तथ्य है उसके आधार पर जनता वोट करेगी। अभी हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं उस पे बात वही सेम मसला है, लड़कियों का मामला। आपने इनसे फसाद के बारे में कहलवाया, मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरी बात नहीं आप सुन रही है, फसाद के बारे में कहा, एंटी रूम में कुछ नहीं होता, जो चाहे बना लीजिए, गवर्नमेंट आपकी है। आपने फसाद के लिए कहा, अरे भाई मैं कहता हूँ आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। अरे ये कोई बात हो रही है, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके ऊपर बैठकर आप डिस्कस कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, लड़कियों की हिफाजत हो रही है बहुत अच्छी बात है, मगर ये कहना कि आपके यहाँ कम होती थी हमारे यहाँ ज्यादा हो रही, ये बात ठीक नहीं है ना। हम कब कह रहे हैं आप हिफाजत कीजिए, आपका काम है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो लोग उसे पसंद करेंगे, और अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है लोग उसे पसंद करेंगे। अभी मुजफ्फरनगर के दंगे की बात आई, अगर मुजफ्फरनगर का दुर्भाग्यपूर्ण दंगा है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मगर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इनसे नहीं करूँगा, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। यहीं दिल्ली में अभी इतना बड़ा राइट हुआ है, किसकी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट जो है आपकी थी, मगर पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कितने दिन तक चलता रहा दिल्ली, उसके बावजूद भी आपकी गवर्नमेंट बनी हो। अरे भारतीय जनता पार्टी की हो रही, प्रधानमंत्री बोल। अच्छा मुझे आप बताओ, अब मैं बताऊँ अभी जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी के देखे क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कोई फसाद नहीं हुआ। बिजनौर में फसाद हुआ भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, आप जो है मुजफ्फरनगर में हुआ फसाद। अब ये कोई व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई, तुरंत उनकी छाती पे चढ़कर उस समस्या का निराकरण कर दिया। देखिए ये क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपराधियों को जेल के पीछे तो भेजा ही भेजा, उनके घर तोड़कर उनके घर में, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम क्या है, जो भविष्य में गैंग नहीं खड़ा कर सकते। देखिए दोस्तों मैं नहीं कर सकते, दोस्तों व्यक्ति का अच्छा। नाम है योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री। देखो दोस्तों मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बहुत बार बार मैं ये सुनता हूँ और सब सुनते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक कलाम, मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, अतीक का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के समर्थन में था वो सदन में, निर्दलीय विधायक चुनकर आया। अच्छा आप जो बोलते हैं, पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा उसके विरोध किया, और सदन में समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे मुख्तार अंसारी। भाजपा बहुत गलत, कांग्रेस की बात भी क्लियर कर दूं, मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ले जाकर बैठा रखा था आराम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जेल में उसकी जान का खतरा महसूस होता था, और आखिर में हाईकोर्ट के अंतर हस्तक्षेप करने के बाद उत्तर प्रदेश की जेल में वापस लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मैं सुनिए, मैं इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस ने यहाँ मेरठ मलियाना का भी फसाद कराया, कांग्रेस की तरफ से नहीं मैं बैठा ना, उनका स्पोक्समैन हूँ। दूसरे के कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी को अगर पंजाब भेज रखा था तो जिस
मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ उसे रखा, वो अमरिंदर सिंह था कैप्टन, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। तो आपके यहाँ जो है कोई मैयार थोड़ा ही है, जो पॉलिटिकल लोग हैं अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेते हैं, अपने फायदे के मुताबिक। कैप्टन मंच पे आपने खुद एक्सेप्ट किया, अभी मेरठ मलियाने का दंगा कांग्रेस ने कराया, इन्ना ने साफ कहा। ये भी जानते हैं नगर का दंगा समाजवादी नहीं, समाजवादी ने नहीं कराया। अगर दंगा दौर में हुआ, मैंने कहा जी एक सेकंड, अगर वो कवाल का दंगा सचिन गौरव अपनी बहन की असमत को बचाने के लिए काट डाले गए और उस दंगे में रात को 9:30 आजम खान जी का फोन आता है, डीएम सुरेंद्र सिंह और बहन मंजिल सैनी एसएसपी का ट्रांसफर रात में किया जाता है, अगर वो ट्रांसफर नहीं किया जाता, अपराधी पकड़कर थाने पर आ गए थे, दंगा बिल्कुल नहीं भड़कता। उनका ट्रांसफर हो गया, अपराधी छोड़ दिए गए और दंगा भड़क गया, महीनों तक मुजफ्फरनगर सुलगता रहा, हजारों बच्चे और माताएं और बहनें और परिवार भूख के लिए तड़पते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था, क्यों सुरेंद्र सिंह डीएम का और क्यों मंजिल सैनी एसएसपी का ट्रांसफर किया? मैं तो प्रदेश था उस समय, मैं सर्वाधिक चिल्ला चिल्ला कर बात को उस वक्त कहता था, मुजफ्फरनगर दंगे का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और रात को डीएम और एसएसपी को हटाना और अपराधियों को थाने से छुड़वाने के कारण हुआ है। देखिए भाजपा जी ने जो कहा है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, अदालतें हैं, वो बहुत मजबूत है। अगर किसी आदमी का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसे छुड़वाया और उसे छुड़वाया, आप सबूत दे दीजिए कोर्ट में, उनमें मुकदमे और जितने चल रहे एक और मुकदमा उन पे लग जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इसके फेवर में नहीं है, ना किसी ने फोन किया, कोर्ट में चल रहा हो तो मुकदमा, ये झूठी है, मनगढ़ंत है, प्रोपेगेंडे के लिए नाम लिया जाता है। चूंकि किसी मुसलमान का नाम ले लो, हिंदू जो है दोनों अलग अलग बढ़ जाएंगे, फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा, बस ये मकसद होता है और कुछ नहीं। मैं तो पूरी बात बता दीजिए, मेरी बहुत बात। गौरव और सचिन किसी बेटी के भाई थे, उसके साथ घटना होने पर स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपके पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके किसी मिलने वाले परिवार हो जाए, भाई निकल के जाएगा जरूर भाई के बहन के असमत बचाने के लिए, हो चाहे कुछ भी जाए उसके साथ। जब गौरव और सचिन अपनी बहन के विषय पर गए सड़क पर और जिस तरह से निर्ममता पूर्वक टुकड़े टुकड़े करके काटा गया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनका कानून कहां था, ये जनता जवाब जानना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ये है कि उसका कोई भी जिंदगी का हिस्सा 24 घंटे में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है। ये नहीं कह सकते हमने इतनों को रोजगार दिया है, उसकी लिस्ट दे दीजिए। आप ये बताओ ना कितने उद्योग लगाए आपने, उसकी लिस्ट दे। अब मुझे तो पूरा प्रदेश में केंद्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश ने चाहे उज्ज्वला गैस में चूल्हे दिए हो, चाहे सौभाग्य कनेक्शन में कनेक्शन बिजली का दिया हो, चाहे 15 किलो राशन प्रति 15 दिन पर जो 5 किलो राशन फ्री दिया हो, चाहे और किसी पर आवास दिया हो, चाहे शौचालय दिए हो, एक व्यक्ति का उदाहरण दे दो अगर उसकी जाति पूछी गई कि वो हिंदू है मुसलमान है हरिजन है या लाला है या बनिया है, एक व्यक्ति की जाति पूछी गई। 2011 की जनगणना के आधार पर मेरिट लिस्ट बनी और फिर जो भी था उसको दिया गया। अब देखिए भाजपा जी मेरी बात की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब एक नारा जोड़ के अगले चुनाव में हम सबके लिए प्रयास। उस्मान जी एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत अफसोस है इस बात का कि आपकी असंवेदनशीलता लगातार इस पूरी चर्चा में दिखाई दे रही है। जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, बात सुनिए मेरी, दंगों की, नगर की दंगों की, आप लगातार मुस्कुरा मुस्कुरा के इस तरह से बात कर रहे हैं। हेलो, जैसे ये झूठ है, नहीं ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। अभी मनोज तिवारी, अगर आपने इतना अच्छा काम, सुनिए भाई, उत्तर प्रदेश की महिला मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी नहीं है क्या, उसमें क्या बात है? आप इल्जाम लगाएं समाजवादी पार्टी के ऊपर, मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, इसमें क्या बात है? अगर किसी लड़की के साथ महिलाओं के साथ कुछ गलत होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, इसमें कौन सी बात है? मनोज तिवारी को नोएडा से अभी खदेड़ा गया है, प्रतापगढ़ के जो MP है उन्हें मारा गया है अभी पिछले दिनों। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो फिर जो है मनोज तिवारी को नोएडा से क्यों निकाल दिया गया है? बिल्कुल, आपको जो है निराधार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। मैं आपको साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, आप जो है बीजेपी के, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं
तो आप बीजेपी की तरफ से क्यों बोल रही है सरकार की तरफ से? एक इंडिपेंडेंट नागरिक की तरफ से क्यों बोल रही है? वो एक समाज में नहीं है, इंडिपेंडेंट नागरिक है, मैं समाज का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा है, मगर आपका झुकाव पहले मुझे आप सबके बारे में तय कर लेंगे, आप अब उनका भी झुकाव तय कर रहे हैं। उस्मान जी एक मिनट उनकी बात सुनने दीजिए, ऋतु जी महिलाओं के पक्ष को, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना में क्या हम लोगों ने दर्दनाक स्थिति को झेला है। हम लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 24/7 हमने काम किया है। हमने नहीं देखा कौन जो व्यक्ति जो हमारा पेशेंट आ रहा है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमारी सिर्फ एक ही प्रयास रहा पूरे 2400 घंटे सातों दिन कि किस तरह से लोगों की जान बचे, हम सुविधाएं दें। आज भी हम ये काम करते हैं कि लिस्ट में हमें नहीं कौन हिंदू कौन मुसलमान, आपके फोन नंबर, हम उन फोन नंबर्स बंद करके पूछते हैं आपको ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं चाहिए, आपको एम्बुलेंस तो नहीं चाहिए। हमारी निगाह में कोई हिंदू ना मुसलमान है, और ये वैक्सीनेशन का है, सारी चीजें हैं, बाकी आप देशों से मिला लो। अगर हमने एडवांस रूप में लेके काम नहीं किया हुआ होता तो हमारे देश की आधी जनता कोरोना में खत्म हो जाती। तो क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं इस फील्ड में काम करती हूं, मानसिक स्वास्थ्य पर इतना ज्यादा असर हुआ है कि रिपोर्ट आने से पहले लोगों ने सुसाइड किया है। उसमें हम लोगों को 24/7 टेलीफोनिक काउंसलिंग पे लगाया हुआ है। समय बहुत कम है, मृदुल जी आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मुझे जवाब देने के लिए मौका, दंगों की पृष्ठभूमि आप अगर समझेंगे, जैसे हम अब बार बार कवाल कांड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं दंगा मैनेजमेंट जो यूपी में हुआ है पिछले 4 साल में 5 साल में, कवाल कांड के पीछे भी कहीं ईव टीजिंग का ही मसला था। घटना ईव टीजिंग से शुरू हुई थी, मवाना में सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति पैदा हुई, ईव टीजिंग से शुरू हुई। एक इशू, इस पर कंट्रोल हुआ, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस की प्रेजेंस भी हुई, इंटरवेंशन भी हुआ। मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर रोक लगी। पश्चिम यूपी में आज भी पूरे चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण एक हकीकत है। एज जर्नलिस्ट हमने लगातार चुनाव दर चुनाव उसको कवर करते हुए देखा है। अब इस मौके पर जिस तरह की बयानबाजी अब हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल फ्लेवर पैदा कर रही है। और दूसरी जो ज्यादा खतरनाक बात है वो ये कि इस चुनाव में हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरा मसला चुनाव के नतीजों से नहीं है, मेरा मसला कानून व्यवस्था, 10 तारीख को मतदान है, एक मतदान का मौका आया है, सांप्रदायिक तनाव नजर आ रहा है, ये वेस्ट यूपी की हकीकत है। अब इसका मैनेजमेंट जो हमने पिछले 5 साल में देखा है, उसी मैनेजमेंट के चलते भाजपा बार बार कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वेस्ट यूपी में खास तौर पर इसलिए जुड़ा हुआ है कि यहाँ का जनजीवन इस सांप्रदायिक हिंसा और दंगे से प्रभावित रहा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, और इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने तमाम उन उपलब्धियों को गिनाया है जो 5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। एक प्रश्न मेरा भाजपा के प्रवक्ता वाजपेयी जी से है जी। अभी सर ने कहा कि अभी दक्षिण में एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि मैं गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों आप लोगों की भाजपा की मानसिकता ऐसी है कि आप उसे सांप्रदायिकता से ही जोड़ते हैं? गिन गिन के बदले का मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो किसानों के खिलाफ जुल्म हुए उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, या जो छात्रों को रोजगार मांगने के नाम पर लाठियां भांजी गई उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, या जो व्यापारियों को GST नोटबंदी के नाम पर उनके साथ नाइंसाफी हुई उसके गिन गिन के बदले लिए जाएंगे, आप इसे वहीं क्यों कनेक्शन जोड़ते हैं जाके? पहली बात तो ये सुन लीजिए, मेरे द्वारा नहीं उठा रखा गया था, पहली बात तो ये सुन लीजिए, लेकिन जवाब भी सुन लीजिए। आदिल चौधरी साहब जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनमें इतना दिमाग नहीं है कि वो व्यापारियों की नोटबंदी की इन सब बातों पर बदले लेने की बात कहेंगे। वो क्रिमिनल साइड के अफेक्टेड है, क्रिमिनल के आधार पर बदला लेने की बात करते हैं, और चुनौती स्वीकार है इस मंच से
भाजपा को चुनौती स्वीकार है, सरकार को चुनौती स्वीकार है। जो बदला लेने आएगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठम समाचार है, ये सिद्धांत का पालन हो। देखिए, अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने वाले ने कोई काम ऐसा किया है कि जो गलत है, तो उसे जो है चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग उसका जो है पर्चा रद्द कर देगा, उसे गिरफ्तारी के आदेश दे देगा। इसे प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है, उसने ये कहा और उसने ये कहा। कानून हमारे यहाँ है, FIR करा दीजिए, उसे पुलिस में गिरफ्तार करा दीजिए। मगर हर चीज हाँ हो गई तो ठीक है, वो भुग देगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मगर जिस तरीके से वाजपेयी जी जो है एक तरफा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था अगर आपकी गवर्नमेंट में ख़राब है तो हल्की फुल्की दूसरी गवर्नमेंट में भी हो सकती है, वो भी कोई गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, दोनों समाज के एक ही तरीके के लोग हैं। अभी वाजपेयी भी एक बात कह रहे थे, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे यहाँ जो राशन बांटा जा रहा है उसमें नाम नहीं पूछा जाता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये भी पूछने की ज़रूरत है कि राशन में गरीब होता है उसमें नाम थोड़ा पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं पूछती है, इसका जिक्र भी नहीं आना चाहे। कर जो दिया जाता है, कर सब देते हैं, छोटा भी देता है, बड़ा भी देता है, अमीर भी देता है, गरीब भी देता है। हमारा जो कर है उसी से तो गवर्नमेंट चल रही है, उसी से राशन दिया जाता है, उसी से रोड बनती है, उसी से सहूलत फैसिलिटीज होती है। मैं वाजपेयी जी से उस्मान जी मैंने ये कहा, बिना सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस में गैस का कनेक्शन, शौचालय, मकान और राशन, इस प्रकार की योजना में किसी की जाति नहीं पूछी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो BPL कार्ड होल्डर थे उनको दिया गया 5 लाख का स्वास्थ्य का इलाज की कैशलेस सुविधा भी उनको प्रदान की गई, किसी की जाति नहीं पूछी गई। और जो राजनीतिक बात मैं मन से नहीं करना चाहता, जो सरकार ने किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। जाति धर्म पूजा पद्धति से ऊपर उठकर सबको जो चीज दी गई है, कम से कम उसका तो शुक्रगुजार हो जाना चाहिए सरकार का। देखिए, मैं एक दरखास्त करना, मैं भूल जाऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब 5 साल इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल गवर्नमेंट, चलो वो तो देखा जाएगा, तो 5 साल, हाँ 5 साल आपने गवर्नमेंट चलाई, 5 साल हमने गवर्नमेंट चलाई, यानी अखिलेश जी ने गवर्नमेंट चलाई। अखिलेश जी आगे क्या करेंगे, उन्होंने कहा है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूँगा, किसानों की सिंचाई मुफ्त करूँगा, आपने तो उसका भी बदला नहीं दिया आपके दी। अरे भैया, अब ये भी जुमले हो गए, अब ये बताइए अखिलेश, इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। मौजूदा योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने जनता के लिए तमाम काम किए हैं, योजनाओं के तहत उन तक सुविधाएं पहुँचाई हैं। विपक्ष का कहना है कि उसके पास अभी भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो लेकर जनता के बीच में, जनता तय करेगी 10 तारीख को पहली वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये शुरू होगी, देखेंगे मुद्दे कितने हावी होंगे राजनीतिक पार्टियों के समीकरण और गठबंधनों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उस्मान साहब, आपसे बस निवेदन है, यहाँ से जाते जाते आपसे निवेदन है, यहाँ पे हर शख्स के पास वो वीडियो है जिस शख्स को आप कहते हैं कि वो यहाँ का विधायक रह चुका, उसे आप बालक कहते हैं, उसका वीडियो खूब वायरल है, आप उन्हें जो भी कुछ सजा करना चाहे, पार्टी से निकलवाना चाहे, यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप सुनिए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा वीडियो है और उसने ये कहा है, मैं उसके खंडन करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ, उसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा नहीं है, जैसा एक के बारे में आप कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाफिज उस्मान साहब लगातार बोल रहे हैं, अद्भुत बोले, आप सबके लिए तालियां बजाइए जो लोग यहां पर हैं। ये दूरदर्शन की विशेषता है, ऐसे स्वस्थ ही परिचर्चाएं कराना। हमारे महानिदेशक महोदय मंच पर आ गए हैं, वो हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान करेंगे। हमारे साथ मंच पर प्रिया कुमार जी हैं, अपर महानिदेशक दूरदर्शन और महानिदेशक महोदय मयंक अग्रवाल जी, दोनों हाफिज उस्मान साहब की बेहतरीन तकरीर के लिए उनका सम्मान करते हुए, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी साहब का सम्मान भी अब हो रहा है। और हमारे 2-3 मेहमान और हैं हमारे बीच, मनोविज्ञानी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विभा नागर। मृदुल त्यागी
और विपुल अग्रवाल, पांच महानुभाव हमारे बीच थे।